लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गज़ला, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, क्योंकि सच्चाई ना बताने पर तुम मुझे तलाक दे सकती हो, लेकिन हो सकता है सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे समझ पाओ और मुझे माफ कर दो। फिर कोई नई स्टोरी सुनाएंगे अपनी गलती को छुपाने के लिए? नहीं गज़ला, आज मैं तुमसे सिर्फ सच कहूंगा, सिर्फ सच। गज़ला, तुमसे शादी से पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था। उसका नाम तबस्सुम था। वो भी मुझे बहुत चाहती थी। फिर एक रोज हमारे प्यार ने सारी हदों को पार कर लिया। इधर घर वालों ने तुमसे शादी तय कर दी थी। हालात कुछ ऐसे थे कि मैंने खामोश रहना ठीक समझा, और शादी से एक रोज पहले मुझे पता चला कि तबस्सुम मां बनने वाली। मैंने तबस्सुम को बहुत समझाया कि वो एबॉर्शन करा ले, लेकिन उसका कहना था कि एक गुना तो पहले ही हो चुका है, अब दूसरा गुना एबॉर्शन करा के नहीं, वो इसके लिए कभी तैयार नहीं। इतनी बड़ी बात, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? गज़ला, मैं कई बार तुमसे कहना चाहा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। इतने सालों में मौका नहीं मिला या हिम्मत नहीं हुई? शायद तुम ठीक कह रहे हो। गज़ला, तुम्हारे अब्बू मुझ पर इतना भरोसा करने लगे थे कि उन्होंने मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया। मेरी सारी तकलीफें, सारे गम दूर हो गए। ऐसे में सच्चाई बताकर मैं हालात को बिगाड़ना नहीं चाहता था। इधर तबस्सुम ने बेटे को जन्म दिया और खुद उसकी मौत हो गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस बच्चे का क्या करूं। उस बच्चे को आखिर मैंने एक यतीम खाने में डाल दिया। उस दिन के बाद से मैं आज तक उस बच्चे को देखने नहीं गया, लेकिन अचानक मेरा गुजरा हुआ कल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। जब वो औरत मर चुकी है और बच्चे को यतीम खाने में रखा है, तो आज आपका गुजरा हुआ कल कैसे सामने आ गया? वो बिलाल की वजह से। ये बिलाल कौन है? बिलाल वही बच्चा है जिसे बोन मैरो कैंसर है। और उसका इलाज हमारे बच्चे के बोन मैरो के ट्रांसप्लांट करने से ही हो सकता है। बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने आप जैसे आदमी से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, और मैं आज से आपसे बात तक नहीं करना चाहती। आप अपनी जिंदगी जिए और मैं अपनी। गज़ला, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो कुछ मैंने किया
मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आप एक बेदर्द, जालिम और कमजोर आदमी हैं। आपके दिल ने ये कैसे गवारा किया कि आप बच्चे को यतीम खाने में डाल दें? अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं उसे वहां से ले आती और उसे मां का प्यार देती। मैं आपकी तरह बेदर्द नहीं हूं। गजल, तुम कहां जा रही? पुलिस स्टेशन। क्यों? अबीर को रिहा कराना है। एक गैर औरत होकर वो आपके बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही है और मैं उसे सजा दिलवाऊं? शुक्रिया अदा कीजिए बच्चे के बाप का, जो उसने केस वापस ले लिया और 2 साल की सजा होती। ये बताइए, आखिर आपने किडनैपिंग की क्यों? ये मेरा पर्सनल मामला है। देखिए, आप मुझे गलत ना समझे। दरअसल ये है कि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप मुझे दिखने में ऐसी लगती नहीं। जब लगती नहीं तो फिर मैं क्या आपसे पूछ सकता हूं कि आपने ये किडनैपिंग क्यों की? आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपको एक लंबी कहानी सुनानी पड़ेगी, लेकिन मुझे बहुत जल्द वापस जाना पड़ेगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है और रिश्तों की बातें हैं आप नहीं समझेंगे, क्योंकि वर्दी पहनकर अक्सर लोग जज्बात भूल जाते हैं और होनी भी यही चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग जज्बाती हो जाएंगे तो फिर अपनी ड्यूटी कैसे निभाएंगे? आपसे ये वर्दी का फलसफा सुनकर बहुत अच्छा लगा। लोग पुलिस वालों को जाने क्या क्या कहते हैं, बेदर्द, जालिम, बदमाश, जाने और भी क्या क्या कहते हैं। जो लोग गलत होते हैं उन्हें सभी गलत लगते हैं। देखिए, आपकी ये टिकट तो बर्बाद हो गई है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी दूसरी टिकट कंफर्म करवा सकता हूँ। शुक्रिया, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। रोका नहीं? मैं कैसे रोक सकती थी उसे? उसे सच्चाई बता देती। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं कुछ ना कह सकी। मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई डॉक्टर। मैं तो ये सोचकर खुश थी कि बिलाल ठीक हो जाएगा, लेकिन मत कहिए डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वही मेरा सहारा है। मैं जितना कर सकती थी मैंने किया, लेकिन अब ये बात मेरे बस में नहीं है।
डॉक्टर, एक खुदा के बाद पेशेंट के लिए डॉक्टर ही उसका दूसरा खुदा होता है। आप कुछ भी करके आखिरी उम्मीद को बचा लीजिए। देखो तुम यहां आ जाओ, फिर सोचते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। आप लोग खैरियत तो है? जी सब। कितनी रात गए? जी इंस्पेक्टर साहब, काम ही कुछ ऐसा था कि हमें आना पड़ा। जी कहिए। इंस्पेक्टर साहब, हम अबीर को रिहा करवाना चाहते हैं। उसका कोई कसूर नहीं है, हम लोगों ने उसे गलत समझा, ये हमारी गलत फहमी थी। देखिए हमने तो उसको पहले ही रिहा कर दिया। कर दिया? हाँ। मगर क्यों? क्या आपने हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? अरे भाई उसकी नौबत ही नहीं है। अभी कुछ देर पहले मुझे साहब का फोन आया था कि उसे रिहा कर दें, हमने रिहा कर दिया क्योंकि इन्होंने केस वापस ले लिया। इन्होंने आपसे बताया नहीं? कमाल करते हैं आप, आपने अबीर को रिहा करवा दिया और मुझे पूछा तक नहीं। अरे पूछना जरूरी नहीं समझा तो कम से कम बताया तो होता। दरअसल मैं ही पागल हूं जो आपसे ऐसी उम्मीद लगा लेती हूं। इतनी गलतियां करने के बाद भी आपका दिल नहीं भरा जो एक और गलती कर दी? भाई देखिए एक मिनट, मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब आप खुद उसको रिहा करवाना चाह रही हैं तो फिर ये नाराजगी किस बात की? इंस्पेक्टर साहब, उसका मिलना बहुत जरूरी है। इन्होंने जो हरकत की है उससे किसी की जान जा सकती है। I'm sorry, Kuzala. आपके सॉरी कहने से क्या हो जाएगा? वो हमें मिल तो नहीं जाएगी और अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? देखिए कूल डाउन। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। जी बहुत मेहरबानी होगी। दरअसल कंप्लेंट फाइल में उसका एड्रेस है जो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। आ गए तुम? आ गए खानदान की बदनामी करके। खूब नाम रोशन किया है हमारा, घर की बहू अकेली गई, वो भी दिल्ली। जैसे कि खाला नहीं तुम्हारी खुद की अम्मी बीमार हो और खाला की सांसें तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी ना। वैसे जिंदा है या अल्लाह को प्यारी हो गई? अबीर तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, समझी? इतनी बेइज्जत होकर भी आपका दिल नहीं भरा? आपने जो हरकत की थी ना, मैं चाहती तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने आपसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। और जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं तो आपको हक नहीं बनता मेरी जिंदगी में दखल दे। मेरी सास, मेरी माँ, सब कुछ बड़ी अम्मी है। आप मेरी बेगैर थी, है और रहेंगी। अबीर, जिस जगह खड़ी होकर तुम ये सब कह रही हो वो तुम्हें मेरी मेहरबानी की वजह से मिली है। अगर मैं ना चाहती तो
तो तुम्हें इस घर में पनाह नहीं मिलती। पनाह तुमने तो मुझे इस घर से निकलवा दिया था, तुम क्या किसी को पनाह दोगी? पहले दिन से अबीर को इस घर से निकालने के इरादे में थी। वो तो अली साहब थे इसलिए ये इस घर में रह पाई। पहले अबीर अकेली थी लेकिन अब मैं अबीर के साथ हूं। और अब ये यही रहेगी। ये घर तुम्हारे लिए ऐसा है जैसे कोई उधार मांगी हुई चीज, इसे अपना मत समझ लेना, समझी? अभी चलो यहां से, तुम थक कर आई हो ना बेटा, थोड़ा आराम कर लो। चलो भाई साहब, क्या आप ये एड्रेस बता सकते हैं? एरिया तो यही है पर इस नाम की बिल्डिंग कोई नहीं है यहाँ। जी बंगला होगा? बंगले तो दो चार हैं लेकिन इस नाम का कोई नहीं है। हो सकता है आप नहीं जानते हो? बरसों से यहाँ रहता हूँ, ऐसे कैसे नहीं जान सकता? क्या पिन कोड के हिसाब से पता चल सकता है? वही तो लोचा है, पिन कोड एरिया के हिसाब से गलत है। कहीं उस औरत ने घबराकर गलत पता तो नहीं लिखवा दिया? हो सकता है। तो अब क्या करें? चलो चलते। जी हेलो। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं जूबी बोल रही हूँ। जी आप फरमाइए। देखिए आप जल्दी यहाँ पे आ जाइए और आते ही से गिरफ्तार कर लीजिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? अबीर को, जिसने अपनी सास को जहर देकर मारने की कोशिश की। मैंने कहा था ना आपसे। देखिए हम बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अरे लेकिन ये सब तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अरे सबसे बड़ी गवाह तो मैं हूं।